वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जहां पर संतों की अदालत लगेगी और दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और नाथ परंपराओं के अनुसार जो उनकी परंपरा है उनका दायित्व जो है उनके उनका निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद ही भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी और जिस पर रथ पर सवार नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूजा अर्चना की गई है। आज देखिए विजयादशमी के अवसर पर मंदिर में जो तमाम परंपराएं हैं उनका निर्वहन गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में, अपने तमाम कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर बाद शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इस शोभा यात्रा में दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए इस रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार होंगे दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ और भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत होने वाली है कुछ देर में ये भव्य शोभा यात्रा। देखिए प्रभु श्री राम का तिलक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्ष पीठ में विशेष पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई नाथ परंपरा के मुताबिक और भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यात्रा का स्वागत करेंगे, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। नाथ परंपरा के तहत भगवान श्रीनाथ की पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होंगे। और ये देखिए रथ पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ और धीरे धीरे जो शोभा यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरक्ष पीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद ये तस्वीरें रथ पर सवार होकर दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलीला में श्री राम का तिलक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो विजयादशमी पर जो तमाम परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल। तो देखिए गोरखपुर में एक भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्ष पीठ पर उन तमाम परंपराओं का पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और अब देखिए एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें रथ पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ संतों की अदालत
लगती है यहां पर, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर ही वो तमाम जो परंपराएं हैं, जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनका निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और अब रथ पर सवार आपको नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था भी, आसपास जो उनके तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत भी इस शोभा यात्रा में शामिल, और देखिए हजारों की संख्या में जो नागरिक हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल, क्योंकि ऐतिहासिक शोभा यात्रा देखिए सभी श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें गोरखपुर से सामने आ रही हैं। तो शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। रथ पर सवार दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर शहर में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। विजयादशमी के अवसर पर ये भव्य शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा मानसरोवर तक पहुंचेगी। तो ये पूरी शोभा यात्रा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। देखिए गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हैं, और देखिए शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली जा रही है। पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ, तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से इस शोभा यात्रा का शुभारंभ, और मानसरोवर मंदिर तक ये शोभा यात्रा जाएगी, जिसके बाद महादेवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी, और शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां पर प्रभु श्री राम का तिलक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास शाही हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गोरखपुर से। विकास, देखिए भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार नजर आ रहे हैं, और इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हर वर्ष जो है इसी तरह की जो परंपराएं हैं गोरखपीठ से जुड़ी हुई वो निभाई जाती हैं, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है विकास? चांदन जी आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह सीएम योगी गोरखपीठाधीश्वर के रूप में रथ पे सवार हो चुके हैं, और चारों तरफ से आप सुन सकते होंगे ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, रथ पे उनके साथ साधु संत सवार हैं, अगल बगल सैकड़ों हजारों लोग काफी तादाद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तरह तरह के जो बच्चे हैं अपने कलाबाजी दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मनमोहक चीज है कि सीएम योगी गोरखपीठाधीश्वर के रूप में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है ये, इसको तय करेंगे, और सबसे बड़ी बीच में जो रास्ते पड़ते हैं कुछ
मुस्लिम लोग भी उत्साह से विधान करते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग अपने गुरु पीठाधीश्वर का अभिवादन करते हैं। साथ साथ ये यात्रा सीधे मानसरोवर मंदिर पे जाकर रुकेगी। शंकर भगवान के पूजा अर्चना के पास बगल में राम लीला मैदान है, वहाँ पे सीएम योगी पहुंचेंगे और भगवान राम और सीता माता की आरती के साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और यहाँ पर कहा जाए ये पूरा जो एक रूट है, जो पूरी यात्रा है विकास, वो इसमें एक दो पड़ाव जो है वो रास्ते में पड़ने वाले हैं, जहाँ पर रुककर सीएम योगी आदित्यनाथ देवाधिदेव महादेव का पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। तो एक दो पड़ाव जहाँ पर ये शोभा यात्रा रुकेगी, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कुछ लोग उनका स्वागत करेंगे, वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में विकास बताइए। आपने बता दें कि जो कि मानसरोवर मंदिर का माना जाता है कि गोरक्षपीठ के सबसे करीबी मंदिरों में से माना जाता है, सीएम योगी का कारवां धीरे चलेगा। लगभग एक से डेढ़ दो किलोमीटर के बीच में मानसरोवर मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर सीएम गोरक्षपीठ अध्यक्ष रूप में उनका रथ रुकेगा और रथ से उतरेंगे और भगवान शिव की स्तुति करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके जस्ट थोड़ी दूर पे ही जो है वंध्यारी का रंगमिला मैदान में जो भी स्पीड का पीठाधीश्वर होता है, चाहे महानी वेनाथ जी रहे हो, वैद्यनाथ जी रहे हो और योगी आदित्यनाथ जी, वो पे जाता है जो रामीला और योगी राम और सीता के जो रूप में लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद वहाँ बच्चे लोगों को संबोधित करते हैं। फिर वो रथ वापस मंदिर में आता है और जो पारंपरिक भोज होता है उस भोज के बाद जो विजयदशमी का त्यौहार होता है गोरखपुर की समझ से वो समाप्त होती है। जी बिल्कुल, और देखिए कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से भी कुछ लोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ये जो पूरी शोभा यात्रा है इसका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, तो वो क्या कार्यक्रम है विकास, उसको लेकर क्या जानकारी? मंदिर जो मुख्य गेट है उससे 100 मीटर की दूरी पे जो चौधरी परिवार रहता है, चौधरी परिवार जो की ईद का बहुत ही कमी माना जाता है, मुस्लिम परिवार है और वो परिवार के लोग स्टॉल लगा के अपने मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े रहते हैं और अपने गोरक्षपीठाधीश्वर का स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, साथ साथ महिलाएं हों पुरुष हैं। तो चौधरी बरार का जो परिवार है, चौधरी परिवार कहा जाता है, मुस्लिम परिवार माना जाता है, लेकिन गोरक्षपीठ के सबसे करीबियों में से उनकी गिनती होती है और धीरे धीरे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बाद जो काफिला है वो चौधरी परिवार का जो स्टॉल है उनका आवास है वहाँ पे जाकर रुकेगा। चौधरी बेफूल अंसारी जो चौधरी परिवार के मुखिया है वो उनका स्वागत करेंगे और अभी आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बाद आपको चौधरी बेफूल अंसारी के घर के सामने वो रथ पहुंचेगा। थोड़ी देर के लिए रथ रुकेगा और उस परिवार के लोग उनका अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद फिर रथ आगे जो काफिला बढ़ेगा और वो जाके मानसरोवर मंदिर पे ही रुकेगा। बिल्कुल विकास, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जिस तरह से शोभा यात्रा जो है उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, लेकिन देखिए बेहद ये ऐतिहासिक कहा जाए कि एक शोभा यात्रा है जिसमें कहा जाए कि गोरखपुर शहर के जो तमाम नागरिक हैं शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि जो भीड़ है वो भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। इस लिहाज से भी अब देखा जाए कि कितनी महत्वपूर्ण ये शोभा यात्रा है, बड़ी संख्या में नागरिक वहां पर पहुंचे हुए हैं, काफी उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है विकास। आपको बता दें पहले शोभा यात्रा होती थी उससे भीड़ की अनकंट्रोल होती थी, लेकिन जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री हुए हैं तो उसको सीमित कर दिया गया है। अब बैरियर लगा के जो सड़क के दोनों तरफ है, आप जब तक पूरा रूट देखेंगे, आप हिंदू मुस्लिम छोटा वर्ग बड़ा वर्ग हर वर्ग के लोग अपने गोरक्षपीठाधीश्वर के अगुवाई के लिए आपको मिलेंगे, तरह तरह के नृत्य होते मिलेंगे, हर सभ्य संस्कृति पर वाई डांस हो या बच्चों की कलाबाजी हो, दोनों ही तरफ जो पुलिस की बैरिकेडिंग के उस पार हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग अपने सीएम का अभिवादन करने के लिए पलक फावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के रूप में नहीं उनको अपने बाबा यानी गोरक्षपीठाधीश्वर का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और लगातार वो लोग इंतजार में खड़े हैं कि जैसे ही रथ उनके पास पहुंचे और एक चक्कर लगा के अपने गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद ले सके। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आपने बताया विकास की जब से मुख्यमंत्री बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तभी से कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी बेहद चाक चौबंद कर दी गई है और इसी वजह से लोगों का जो एक जमावड़ा लगता था उसको भी कम कर दिया गया है। जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है छतों पर भी पुलिस और एटीएस की जो टीम है विकास वो तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जा सके। लगभग 250 छतों पर जो पुलिस कर्मी है एटीएस कर्मी है वो तैनात किए गए हैं विकास।
बिल्कुल साथ सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एटीएस जो है स्थानीय पुलिस से एलआईयू है, साथ साथ 200 ऐसे रूट के 56 छते हैं जिसमें पुलिस के जवान मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पे ड्रोन से निगरानी हो रही है, यानी कि जमीन से आसमान तक निगरानी की दृष्टि हो रही है और पूरे सुरक्षा के मापदंड है, डॉग स्क्वाड है, एलआईयू है, यानी कि हर टीम मुस्तैदी के साथ इस रूट पे जमी हुई है और ट्रैफिक पुलिस जो है रूट को पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और पूरे रास्ते में आतिशबाजी होती है, सफाई होती है और पलक पावड़े बिछा के आप देख सकते होंगे, जो विजुअल आ रहे होंगे लोग अपने कैमरे ऑन करके सिर्फ एक नजर अपने गुरक्ष पीठाधीश्वर को देखने के लिए, क्योंकि सीएम योगी को तो लोग हमेशा देखते हैं लेकिन नाम नाथ संप्रदाय की वेशभूषा में आदि का दिन होता है जिसमें इस मान के यानी सीएम योगी दिखाई देते हैं, क्योंकि आज वो गुरक्ष पीठाधीश रूप में नाथ संप्रदाय की वेशभूषा और वो सैकड़ों पुराना साल का जो रथ है वो रथ हमेशा उसी रथ पे ही लोग सवार होकर निकलते हैं और उस पारंपरिक रथ पे सीएम योगी इस वक्त जो है वो विराजमान है। जी बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ को जो तमाम दर्शक हैं वो भी देखिए हमेशा से ही भगवा वस्त्रों में ही देखते नजर आए हैं, लेकिन ये जो भगवा वस्त्र है वो थोड़ा विशेष है क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में इस वक्त नजर आ रहे हैं और जो तमाम जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं विकास उनका निर्वहन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वैसे ही किया जाता है जैसा कि हमेशा से किया जाता है। सीएम बनने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा यहां पर आते हैं और उन तमाम परंपराओं का पालन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि जीवित व्यक्ति है, जैसे फिल्मों में जब कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे पीछे नहीं हटते, तो चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में सौगात देनी हो वो हर समय प्रदेश के कोने कोने अपने देश में मौजूद और मौजूद रहते हैं, साथ साथ जब भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मौजूद रहते हैं, मंदिर के हर परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसी के तहत अपने 3 दिवसीय 4 दिवसीय वहां पे पहुंच चुके हैं और रथ जो है जयपुर बराज जी के आवास के सामने लेके पहुंच रहा है जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग उनका स्वागत करेंगे। लगातार गाने बाजी आतिशबाजी लगातार हो रही है, ये तो आतिशबाजी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, लोग स्वागत कर रहे हैं आतिशबाजियों के साथ अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर का। जी बिल्कुल, और देखिए कहा जा रहा है कि आज चूंकि विजयादशमी का ये पावन पर्व और इसी पर एक जो दंडाधिकारी के रूप में भी सीएम योगी आदित्यनाथ विकास नजर आते हैं और यहाँ पर वह नाथ पंथ की जो पात्र पूजा है वह पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और तमाम जो साधु संतों के जो विवाद है उसको भी सुलझाएंगे, तो ये परंपरा क्या है विकास, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? परंपरा होती है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं देश के प्रदेश के कोने कोने में उससे अगर साधु संतों में अगर आपकी कोई मंदिर होता है तो जो गोरक्ष पीठाधीश्वर होता है वो इसको सुलझाता है, तो आज का दिन जो 1 से 2 के बीच का जो समय होता है उसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर बैठते हैं और जितने भी साधु संत हैं वो अपने बातों को रखते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करने के साथ विवादों को दंडाधिकारी के रूप में सुलझाते हैं सीएम योगी। जी बिल्कुल, और इसी तरह के तमाम जो परंपराएं इस गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई हैं विकास उन्हीं का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उसी में से एक परंपरा जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से रथ पर सवार सीएम योगी आदित्यनाथ और भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है जिस तरह से आपने कहा और हजारों की संख्या में जो तमाम नागरिक हैं और इसके साथ साथ गोरक्षपीठ से जुड़े हुए जो तमाम साधु संत हैं वो भी उस रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। विकास बिल्कुल सही, नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु संत होते हैं जो भी स्थानीय लोग होते हैं, क्योंकि तो गोरक्ष पीठ एक ऐसा पीठ है जिसका हर लोग मान्यता रखते हैं, राजनीति अपनी जगह होती है लेकिन गोरक्ष पीठ में हर तरह के लोग इस पीठ को अपना मानते हैं और इसीलिए सभी दलीय बंधन टूट जाते हैं, सभी जातीय बंधन टूट जाते हैं, सभी धार्मिक बंधन टूट जाते हैं, हर व्यक्ति अपने पीठ के पीठाधीश्वर की अगुवानी के लिए एक ललक पाने के लिए सड़कों पर घंटों खड़ा रहता है कि आज अपने नाथ संप्रदाय के उस रूप में जिस रूप में बाबा अवैधनाथ जी को लोग सोचते थे उस रूप में उस वेशभूषा में हमको आज के पीठाधीश्वर दिखाई दें, तो सीएम योगी रथ पे उसी पूरी वेशभूषा में बैठ के चल रहे हैं, साधु संत भी रथ पे सवार है, पीछे पीछे सुरक्षाकर्मी, यहाँ के लोग, गाने, आतिशबाजी और लोगों का एक हुजूम जो सड़कों के किनारे खड़ा होकर अपने पूरे पितृ का अभिवादन के लिए खड़ा है। जी बिल्कुल विकास, देखिए कहा जाए कि ये जो दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और ऐतिहासिक परंपरा है अगर बात की जाए यहाँ पर
कहा जा रहा है कि 1939 से जब से ये महासभा इसकी स्थापना की गई है तभी से ये जो परंपरा है दंडाधिकारी के रूप में सीएम जो गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं वो दंडाधिकारी के रूप में नजर आते हैं। और चूंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और इसलिए वो तमाम जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग देखिए कहा जाए कि 1939 से लगातार ये जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस हिसाब से भी महत्व तो इसका समझा जा सकता है। विकास, मैंने आपको पहले बताया कि चाहे मान ना जी रहे हो चाहे ना जी रहे आप, एक अलग ही फैट है, अलग ही विश्वास है, अलग ही मान्यता है। ये 1939 के जमाने से लोग साधु संतों में आपसी मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, उसको दंडाधिकारी के रूप में आज ही के दिन दोपहर में जब पूजा करके मंदिर से उतरते हैं और एक बार गुरुनाथ बाबा की पूजा करते हैं, उसके बाद सीएम का जो अगला पड़ाव होता है वो दंडाधिकारी के रूप में होता है और वो सारी सारे संतों की बात सुनते हैं, उनके मनमुटाव को दूर करते हैं, देश वहीं समाप्त करा के फिर नाथ को आगे बढ़ाने के लिए लोग। बिल्कुल विकास, वापस आते हैं ये शोभा यात्रा जिस तरह से देखिए कहा जाए कि अब शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये शोभा यात्रा जिस तरह से आपने बताया कि 2 से 3 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, रामलीला मैदान ये शोभा यात्रा पहुँचेगी और ये तस्वीरें विकास सामने आ रही हैं। इसको लेकर आप बताइए कि क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से देखिए सम्मान किया जा रहा है, उनका परिवार जो उनका स्वागत कर रहा है, अब उनका वही बगल में आवास है जी। और इसीलिए कहा जाता है कि योगी जी गोरखपुर में ये चीजों को तोड़ के अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर का लोग सम्मान करते हैं और सीएम योगी आज दंडाधिकारी यानी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उस रथ पे सवार हैं। तो हर व्यक्ति पूरा गोरखपुर उनका अपना है, हर व्यक्ति उनका है, इसलिए हर व्यक्ति गोरक्ष पीठाधीश्वर का आशीर्वाद और अभिवादन के लिए वहाँ मौजूद है जी। बिल्कुल देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की जो तस्वीरें हैं न सिर्फ अभी की बल्कि कहा जाए कि काफ़ी पुरानी ये जो परंपरा है जिस तरह से आपने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनका जो सम्मान है वो किया जाता है इस परिवार के द्वारा, तो ये परंपरा काफ़ी पुरानी जो है वो लगातार चली आ रही है। तो इससे भी गोरक्षपीठ जो है उसका महत्व तो समझा जा सकता है गोरखपुर के लिहाज से और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है किस तरह से गोरक्षपीठ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। विकास, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से गोरखनाथ पीठ का सबसे बड़ा महत्व इस क्षेत्र में है, क्योंकि इस क्षेत्र में दिव्यनाथ जी के माने से ही चाहे राजनीति हो चाहे शैक्षिक हो चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे कार्य हो, इसमें गोरखनाथ जो मंदिर है मठ है वो पंचमण के है, हर धार्मिक बंधन को तोड़ के अपने गुरक्ष पीठाधीश्वर के अभिवादन के लिए खड़ा है। तो जहाँ एक ललक मगर वो अपने सुकून मिलता होगा कि सुबह से ही वो आता है मंदिर में, वो खड़ा रहता है बाहर से रोड पे खड़ा रहता है कि सिर्फ मेरे प्रभु गुरक्ष पीठ यानी कि जो आजरत से सवार है वो आदित्यनाथ जी का मुझे दर्शन हो जाए और मैं उनका आशीर्वाद लेके उनका अभिवादन करके यहाँ से जाऊँ जी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से स्वागत सत्कार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर किया जा रहा है। और अब चूंकि शोभा यात्रा देखिए आगे बढ़ चुकी है और धीरे धीरे पहुँचेगी जहाँ पर मंदिर में वो देवाधिदेव महादेव का की जो पूजा अर्चना है वो भी करते हुए नजर आएंगे। तो एक प्रसिद्ध मंदिर जिस तरह से आपने बताया विकास, वहाँ पर शोभा यात्रा कुछ देर में पहुँचेगी और वहाँ पर महादेव का जो पूजन अर्चन है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे जी। बिल्कुल, अभी जो के सम्मान के पास धीरे आगे बढ़ेगा तो का वो समय होगा कि जब मंदिर पे श्री शंकर भगवान की वो उपासना करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद कल्याण की कामना करेंगे। तो वहाँ से बगल में जो मंदिर है यानी कि रामलीला मैदान है मंदिर के बगल में ही है, वहाँ पे जाएंगे, उपस्थित जो वहाँ लोग हैं उनको करेंगे और भारत माता।
बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से आपने कहा और ये चूंकि शोभा यात्रा और ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, किस तरह से जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने घरों के बाहर छतों पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और हर वर्ष इसी तरह का जो नज़ारा है वो दिखाई देता है जिस तरह का विकास आपने बताया, और इस बार भी उसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और देखिए लोग जो है वो किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है वो सम्मान और करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और ये तस्वीरें देखिए लोग सीएम के पास पैर भी छू लेते थे, यानी कि गुरु अर्पित वाले, लेकिन जब से सीएम योगी सीएम हुए हैं उसके बाद से थोड़ी सी बंधन बढ़ी हैं, दूरियां लोगों से बढ़ाई गई हैं, उसका अहम कारण सुरक्षा है। लेकिन अब अपने गुरु पीठाधीश्वर के प्रति आस्था भी स्थान में अपने प्रदेश के लोगों होता है, धार्मिक कार्य को पूरा करने की जरूरत पड़ते हैं। अब लोग के बीच में आते हैं, हमारे सारे कार्यक्रम में मौजूद आते हैं, और जो सैकड़ों साल से एक कारवां चल रहा है उसको उन्हें छूटने नहीं दिया, कोई भी संपर्क स्थिति दिखाई हो वो जरूर इस रथ यात्रा में रथ सवार होकर पूरे पीठाधीश्वर के रूप में जरूर जाते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, देखिए विकास, अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जिस तरह से वहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है, तो ये एक विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं गोरक्षपीठ से जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो नज़र आता है, और वही विश्वास सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कायम किया हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में भी जो विश्वास है गोरक्षपीठ का लोगों के मन में, उस विश्वास को कायम रखा है, और अब वही झलक जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। मुस्लिम समुदाय के भी तमाम जो लोग हैं वो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, बिल्कुल, चौधरी परिवार में आपको बता चुका हूँ, चौधरी परिवार जो कि मुस्लिम परिवार है, परिवार है वो लगातार उनके परिवार के लोग अगल बगल के जो हिंदू समुदाय के पीछे चकता गाँव है पुरुषों, क्योंकि हर वर्ग का विश्वास सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अभिभावक के लिए, क्योंकि उनको भी कोई परेशानी होती आज से नहीं, जब से के समय से कि मुस्लिम समुदाय को भी अगर कोई परेशानी होती थी तो उससे निवारण के लिए वो थानों कचहरी में नहीं जाते थे, वो सीधा जो दरबार आज सीएम योगी लखनऊ से क्या लगाते हैं वो दरबार शुरू से लगता है, देवेंद्र जी के जमाने से लगता है, सीएम योगी जब सांसद थे सब लगाते थे और आज मुख्यमंत्री होने के बाद भी उस प्रथा को कायम रखा है, तो मुस्लिम परिवार हमेशा इस क्षेत्र का उनके साथ रहता है। मुस्लिम परिवार स्वागत कर रहा है जी, बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें देखे सामने आ रही हैं और शोभा यात्रा जो है उसका जो कारवां है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अब कुछ देर बाद जो मंदिर है वहां पर ये शोभा यात्रा पहुंचेगी विकास, और वहां पर महादेव का पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, और वहीं पर रामलीला में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे जहां पर प्रभु श्री राम माता सीता का तिलक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो रामलीला में कितनी देर तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रहने वाले हैं विकास, उनका क्या कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? शंकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद सबसे पहले वो मंच पे जाते हैं और वहाँ पे भगवान राम सीता की जो आरती करते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं उनको अपने उद्बोधित करते हैं, उनसे उद्बोधन बताते हैं, सरकार की विकास योजनाओं को बताते हैं, अपने मठ के प्रति लोगों को बताते हैं, साथ साथ लोगों को शुभ राय देने के साथ आशीर्वाद भी देते हैं। इसी के साथ लगभग 40 मिनट रामलीला मैदान में रहेंगे, फिर फिर विजयदशमी का त्यौहार यह समाप्त होता है जी।
बिल्कुल। और देखिए रावण दहन के साथ कहा जाए कि जो विजयदशमी का जो पर्व है उसकी समाप्ति होती है, लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं विकास, और ये तस्वीरें जो है वो विश्वास की प्रतीक ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग हैं, जो तमाम युवक हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और किस तरह से देखिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ जो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि सीएम योगी के प्रति हर वर्ग हर जाति का एक विश्वास है, अपने पूर्व पीठाधीश्वर के प्रति लोगों का विश्वास है, वो लोग अपने पूर्व पीठाधीश्वर को एक झलक पाने के लिए, क्योंकि आज सीएम योगी एक अलग वेशभूषा में रहते हैं, जो नाथ संप्रदाय की परंपरागत वेशभूषा है उसमें रहते हैं, तो आज लोगों को अपने नाथ संप्रदाय के यानी कि अपने बाबा के दर्शन होते हैं, और अपने बाबा के दर्शन पाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, और एक आस्था एक विश्वास, फिर मैं बता रहा हूँ हर जातीय दलीय सामाजिक धार्मिक सारे बंधन टूट जाते हैं, और सिर्फ एक चीज याद रहती है कि हमारे बाबा आ रहे हैं, हमारे गुरु पीठाधीश्वर आ रहे हैं, और इनका हमको आशीर्वाद देना है। जी बिल्कुल। और देखिए दंडाधिकारी के रूप में आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में, लेकिन विकास इसके इतर अगर हम बात करें तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में जो भी संत इस गद्दी पर बैठा है उनका विश्वास कहीं ना कहीं कायम रहा है, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट्स जो भी विवाद जो है वो लेकर लोग जाते हैं, तो लोगों को ये भी भरोसा रहता है कि वहां से कहीं ना कहीं जो एक न्याय है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो वहां से अगर आपसी तालमेल से एक तरह से कहा जाए कि वहां पर लोगों को ये विश्वास होता है कि वहां पर जो है वो उनको कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा, और यही वजह भी है कि कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का गोरक्ष पीठ के प्रति वो काफी ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, आप देखिए 1939 के बाद जब स्थापना हुई इसके बाद आज तक कोई भी विवाद किसी स्तर से थाने पे नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि जो दंड अधिकारी की भूमिका में होते हैं उनके साथ एक शब्द जुड़ा होता है न्याय, और उस न्याय पे भरोसा सब लोग होता है, इसलिए योगी दंड अधिकारी के रूप में रहते हैं। मैंने फिर कहा कि दलीय जातीय सामाजिक हर बंधन टूट जाते हैं, और आज हर लोग अपने बाबा के इंतजार में पलक झपड़े बिछा के खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको एक दर्शन आज गोरक्ष पीठाधीश्वर का कर रहा है, क्योंकि सीएम का चेहरा नहीं है आज नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठाधीश्वर रथ पे सवार होकर आ रहे हैं। आप देख सकते हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी दल कोई भी जात हर तरह की बंधनों को तोड़ के सिर्फ बाबा एक नाम है, और अपने बाबा के दर्शन करने के लिए लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद हैं, काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, एटीएस के जवान मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस रूट को डाइवर्ट की हुई है, नगर निगम के लोग सफाई में जुटे हुए हैं, यानी कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इस स्तर पर न जुड़ा हो, क्योंकि सीएम की सुरक्षा एक प्रमुख है, जमीन से लेकर आसमान तक यानी कि ड्रोन कैमरे से भी उनकी निगरानी हो रही है, तो कुल मिला के कहा जाएगा एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ सीएम योगी का रथ जो अब निकल चुका है। जी बिल्कुल। और आप देखिए विजयदशमी के साथ ही जो तमाम विकास का जो परंपराएं अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर निर्वहन जिनका कर रहे थे उनका उनकी भी समाप्ति हो जाएगी, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो वापस लखनऊ पहुंचेंगे, और जनता के प्रति भी जो उनकी जो तमाम जो उनके दायित्व हैं उनका निर्वहन जो है वो एक बार फिर से उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि वो वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन कार्यक्रम लगातार उनका चल रहा है, और ये तमाम जो आदेश हैं वो लगातार पारित हो रहे हैं, लेकिन दोहरी एक जो एक जिस तरह से किरदार निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं विकास। सीएम योगी हमेशा दो धर्मों का पालन हमेशा करते हैं, मैं सुन बताता हूं कि जब भी उनको विकास की सौगात देनी हो, शिक्षा चिकित्सा युवाओं को रोजगार आम आदमी की तक कोई विकास की योजनाएं पहुंचाना हो तो मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, नौमी हो, दशमी हो, विजयदशमी हो, या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें वो महंत के रूप में यानी पीठाधीश्वर के रूप में मौजूद रहते हैं, तो वो बिरले लोग ऐसे मिलते हैं जो दोहरी भूमिका का निर्वहन कर लेते हैं, साथ साथ दंड अधिकारी के रूप में जो साधु संत का एक समाज होता है उस पर भी एक विश्वास का प्रतीक है, और न्याय अधिकारी के रूप में यानी दंड अधिकारी के रूप में उनके विवादों को सुलझा देते हैं, और आज तो कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसने भी दंड अधिकारी की बात न मानी हो। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों को एक जो विश्वास है इसी वजह से भी और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है विकास, क्योंकि लोगों को न्याय वहां पर मिलता है, और इसी वजह से जो विश्वास है वो साल दर साल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं जो तमाम भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, हालांकि लोगों को रोका गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क के किनारे जो तमाम घर हैं वहां पर
जो लोग हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा में भी तमाम लोग जो है वो शामिल हैं। बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के लिए भी, क्योंकि अब सिर्फ गोरक्षपीठाधीश्वर ही नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री भी है। इस वजह से भी पिछले कहा जाए कि 5 या 6 साल से जो सुरक्षा कर्मियों की जो मशक्कत है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। विकास, हर जो भी सरकारी लोग हैं सबसे पहले रूट को डाइवर्जन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जी जान से जुड़ी रहती है और सफाई के लिए नगर निगम जुटी रहती है। एटीएस हो या स्थानीय पुलिस हो, साथ साथ जो ड्रोन कैमरे से निगरानी होती है, यानी कि जमीन से आसमान तक पुख्ता बंदोबस्त रहता है, परिंदा भी पर न मार सके इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ होती है। उसी के तहत जो सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं, छतों पे जो है लगभग 250 से 300 छतें हैं, ऐसे चिन्हित छतें हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। लगभग 6 से 7 साल से लगातार जो गोरखपुर पुलिस है, एटीएस है, कमांडो है या अन्य अधिकारी जो है आए के अधिकारी लगातार सुरक्षा को पुख्ता बनाए हुए हैं और आज भी लोग विपक्ष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इसका मूल कारण है कि सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ही बेहतरीन है, व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है और सारी की सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है ये मजबूत रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी बिल्कुल। और अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा चाक चौबंद विकास कर दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बन गए हैं और इसी वजह से अब बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की जो संख्या है वो सीमित कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शोभा यात्रा है उसमें काफ़ी संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वो अभी भी श्रद्धालु वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए लगातार लोग जो है वो किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत सत्कार रास्ते में करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें यही एक मूल कारण आपको दिखाई देता है कि लोग बाबा को क्यों इतना मानते हैं। तो मैंने कहा कि कभी भी किसी को भी जनता को जो विकास की योजनाएं देना, शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में, तो मुख्यमंत्री के रूप में सदैव आपको प्रदेश में मिलेंगे और जब भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो बाबा यानी गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में वो आपको जरूर मिलेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि अपने दोनों धर्मों का बखूबी पालन करते हैं और इनको पूरा करने के लिए वहाँ रूप में हर समय यहाँ मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल। और वही विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा है और लोगों में, गोरखपुर के लोगों की अगर बात की जाए तो गोरक्षपीठ एक पवित्र स्थान लोगों के लिए एक विश्वास का प्रतीक भी इसी वजह से बना हुआ है। विकास, गोरखपुर एक विश्वास का प्रतीक है, एक धार्मिक वो है, लोगों को यहाँ के गोरक्षपीठाधीश्वर के बहुत ही विश्वास है क्योंकि गोरक्षपीठाधीश्वर की जब बात आती है तो दलीय जाति धार्मिक सामुदायिक हर बंधन टूट जाते हैं और हर लोगों के न्याय की उम्मीद का एक मठ है ये गोरक्षपीठ का जो मठ है, या हर लोग इसकी उम्मीद जो होती है वो गोरक्षपीठ से ही होती है। इसी के साथ लोग जो हैं अपने न्याय की उम्मीद हो या कोई भी जरूरत हो उसको पूरा कराने के लिए अपने पीठाधीश्वर के पास आते हैं और आज जब उनको मौका मिला है कि वो जो पारंपरिक वेशभूषा में अपने पीठाधीश्वर के दर्शन कर सकें तो वो सड़कों पे लाइन से खड़े होके सुनियोजित तरीके से खड़े होके अभिवादन कर रहे हैं और अपने गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जी देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं गोरखपुर से जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार हैं, भव्य रथ जो है वो उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार नजर आ रहे हैं। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ।